हेलो फूडीज एंड वेलकम टू माय चैनल स्पाइस ट्रेजर्स। आज मैं आपके साथ चिकन कटलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गाइस ये बहुत ही यम्मी स्नैक की रेसिपी है, आप सब जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसे अच्छे से सॉल्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 छोटे प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज थोड़ा अच्छे से पकने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद उसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। आप गरम मसाले के जगह पे चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप श्रेडेड बॉइल्ड चिकन ऐड करेंगे और उसे प्याज और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पोटैटोस ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोस को बॉईल करके और मैश करके ऐड कर लिया है। अब हम इसे चिकन और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, मैंने पोटैटोस को अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। अब हमारा कटलेट का मिक्स रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब कटलेट्स बनाने के लिए हमें 1 एग बीट किया हुआ चाहिए और 1 कप ब्रेड क्रम्स भी चाहिए। अब हम जो चिकन और पोटैटोस का जो मिक्स है उसे हाथ से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और उसे पैटिस का शेप फॉर्म करेंगे। हमें उसे अच्छे से हाथ से शेप कर लेना है और उसके बाद हम ये पैटिस को एग में कोट कर लेंगे। आप एग के जगह पे मैदा और पानी का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। आप ब्रेड क्रम्स के जगह पे आप रवा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा एक पैटिस रेडी हो चुका है। अब हम यही सेम प्रोसेस बाकी मिक्सचर में भी रिपीट कर लेंगे और सारे कटलेट्स रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट हम कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए कढ़ाई में तेल लेंगे और उसके बाद हम उसमें कटलेट्स को अच्छे से फ्राई करके लेंगे। देखिए गाइस, मैंने कटलेट्स को साइड बाय साइड अच्छे से प्लेस कर लिया है। अब हम इसे दोनों साइड से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करके लेंगे। देखिए गाइस, एक साइड कटलेट्स का अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसे मैंने अच्छे से पलट दिया है। अब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए फाइनली हमारा कटलेट्स दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए गाइस, फाइनली हमारा चिकन कटलेट्स रेडी हो चुका है। गाइस ये बहुत ही इजी और टेस्टी टी टाइम स्नैक की रेसिपी है।
गाइस ये कटलेट्स बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बना है, आप सब एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।